हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन माय स्टाइल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ किनो के छिलकों का पाउडर। पाउडर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, किस मौसम में ज़रूरी है और किस लिए फ़ायदेमंद है। हम इसको खा के फेंक देते हैं और इसको कोई यूज़ में नहीं लाते, तो मैं आज इसको आपको फ़ायदा भी बताऊँगी और बहुत जल्द इसकी आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके पैक भी बनाना बताऊँगी, जो कि हम समर में यूज़ करके अपनी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग और सन टैन को दूर कर सकते हैं इससे। जब समर आता है और ऐसी रेमेडी मिलती है जो हमें ऑरेंज पील यूज़ करना पड़ता है, तो हम इसे परचेज़ कर रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं और हमें बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो चलें आज मैं इसका पाउडर बनाना बताऊंगी। अब जो भी छिलके हैं आप उसको इस तरीके से हम काट लेंगे, बारीक बारीक करके काट लेंगे और इस तरीके से बारीक करके ही सुखाने हैं और हमें इसे धूप में नहीं रखना है, ठीक है। धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमें इसे ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे ये सूखते रहें आराम से, छांव वाली जगह में और जहाँ धूल मिट्टी ना आती हो, जैसे किचन के किसी ऊपर वाली जगह पे और धूल मिट्टी ना आती हो, वहाँ हमें सूखने के लिए रख देना और भूल जाना है। 15 से 20 दिन लगेंगे इसको सूखने में, या 1 महीना भी लग सकता है, जितने दिन भी हों। बहरहाल इसको अच्छे से ड्राई होने देना है और इसको बस सुखाना है इसको अच्छे से। और ये देखें इस तरीके से इसके शक्ल हो जाएगी, ड्राई हो जाएंगे, ये देखें इतना खुश्क हो जाएंगे कि आपके आराम से टूटने लगें। लेकिन जब हम इसे ब्लेंड करेंगे, पीसने लगेंगे, तो इसको हम सिर्फ 15 मिनट के लिए इसे हमें धूप में रखना है, ठीक है। बहुत तेज़ धूप में रख देना है 15 मिनट के लिए जब हम इसे ब्लेंड करने लगें, ठीक है। पीसने लगें तो 15-20 मिनट आप इसको धूप में रखेंगे, फिर इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे, ब्लेंड करेंगे इसको अच्छे से और इस तरह का हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखें ये हमारा इस तरह का फाइन पेस्ट तैयार करेंगे, लेकिन इस तरह का होता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन हम छन्नी लेंगे और छन्नी में हम उसे छान लेंगे, छानते रहेंगे और इस तरीके से हम उसको अलग कर लेंगे जो मोटा होता है, और बारीक हमारे पास इस तरीके से फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा और ये हमें अपनी स्किन पे यूज़ करना है। और जो मोटा है उसको दोबारा ब्लेंड करके उसको एज अ स्क्रब के लिए रख देंगे। फाइन पेस्ट जो है इसको हम एज अ उपटन यूज़ करेंगे, ठीक है, बेसन, और इसकी सेम क्वांटिटी लेके हम अरके गुलाब के साथ मिला के अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। तो बस आज से आपको छिलके नहीं फेंकने और इस फाइन पेस्ट को आपको बना लेना है ऑरेंज पील पाउडर और के लिए सेव कर लेना है और आपको इसको यूज़ करना है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका।